हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉक्सिंग किंग में। तो भाइयों, आज की जो हमारी अनबॉक्सिंग है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, मस्त होने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों बाद लाए हैं हम कुछ। ये bodybuilding.com से हमने फिर कुछ मंगाया है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि बीच में मसल एंड स्ट्रेंथ मैंने यूज़ करना चालू कर दिया था। तो अभी मेरा मन किया कि एक bodybuilding.com से ऑर्डर मारते हैं, और इसके पीछे कहानी भी है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। और इसमें हम बताते हैं क्या क्या निकलता है, क्या क्या हमें कस्टम देनी पड़ी, क्योंकि इस पर कस्टम लगी है। मैं आपको पहले के लिए कर दूं, क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर, कितने का पड़ा, कैसे आया, नहीं आया, वो हम सब क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हो, जो पहली बार चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपके नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट जब मैं वीडियो डालूंगा तब। मिस मत करना, ठीक है? वीडियो को लाइक करना, पूरी देखना, एंड तक देखना, बीच में छोड़ के चले जाते हो ये गलत बात है, ठीक है? तो वीडियो को पूरी देखना। अभी हम अपने बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, उससे पहले मैं आपको नहीं कुछ नहीं सीधा अनबॉक्स करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए। तो दोस्तों, ये हमारा वो बॉक्स है जो हमें bodybuilding.com से मिला है, ठीक है? बॉक्स की हालत बहुत अच्छी है इस बार, बहुत ही साफ़ सुथरा बॉक्स आया है, ये देख सकते हैं आप, कहीं से डैमेज नहीं है, कहीं से दबाव नहीं है, और बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा बॉक्स है, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, bodybuilding.com आपको पता है USA की साइड है, और USA से आता है सामान ये सीधा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेन चीज़ कि इस पर हमें देनी पड़ी है कस्टम। कस्टम का मैं आपको क्लियर करूँगा, क्यों देनी पड़ी, कितनी देनी पड़ी, ये वो करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कस्टम लगी कितनी है हमारी, ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा सामान है ये, ठीक है? अभी हम इसको खोल के आपको दिखाएंगे, ठीक है? एड्रेस नहीं दिखा रहा, वो एड्रेस नहीं दिखा रहा, ये गलत बात है, ठीक है? तो भाई देखो, इस पे लगी है कस्टम हमारी 1127 रुपये। देखा आपने, 1127 रुपये देनी पड़ी कस्टम, क्यों देनी पड़ी वो भी बताएंगे। ये होती है कस्टम स्लिप, सबसे पहले आपको बता दूँ भाइयों, ये होती है कस्टम स्लिप, ये देख रहे हो आप, इसे कहते हैं कस्टम स्लिप। बहुत से मेरे भाई कहते हैं भाई कैसे पता चलेगा कस्टम कैसे लगी है, कितनी लगी है? तो भाई ये होती है कस्टम स्लिप, देख लेना पता चल जाएगा। अगर ये नहीं है और कोई बंदा आपसे डिलीवर कोरियर वाला ऐसे वैसे ही कह रहा है कि भाई आपकी 1000 रुपये कस्टम लग गई, तो 1 रुपये भी मत देना, उसे गाली अलग देना, ठीक है ना? 1127 रुपये कस्टम लगी है, कस्टम की स्लिप लगी है बाकायदा मोहर के साथ, ठीक है जी? ये हमारा बॉक्स है, बिल्कुल सील्ड है, टेप ये देख सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंट टेप भी लगी पड़ी है इस पर, वहीं से आई है, ठीक है जी? तो अभी हम करते हैं इसको अनबॉक्स। यहाँ से हमने इसको कट किया, ओके। पूरा बताऊंगा कि कितना टाइम लगा इसको आने में, कितना कस्टम लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, क्या प्रोसेस रहती है, कितनी ट्रैकिंग मिलती है, एवरीथिंग, ओके। बॉक्स हमने कर लिया ओपन। तो सबसे पहले हमें मिलते हैं यहाँ पे पॉलिथीन, ठीक है? फिर हमें मिलता है अपना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम निकालते हैं बाहर, रखते हैं यहाँ पे, दूसरा रखते हैं हम यहाँ पे, और क्या निकला, बिल का है, ये रहा हमारा बिल, बॉक्स हो गया खाली। तो बॉक्स को भी हम साइड पे रख देते हैं यहीं पे, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं बिल की। ओफो, इस बार कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है, इस बार हमें कोई डिस्काउंट कूपन नहीं मिला, कोई चल नहीं रहा होगा साइड पे, तो इसलिए, वैसे डिस्काउंट कूपन ज़रूर आता है, यहाँ पीछे प्रिंट होता है तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट है हमारे पास एवोल्यूशन न्यूट्रिशन का BCAA 5030 सर्विंग, और देन पाइनएप्पल, और सेम है ये अपना बेरी, अकाई बेरी, ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है? इसको रखते हैं बिल्कुल साइड में, बहुत देर हो गई। तो भैया, ये है हमारा बॉक्स जो हमें मिलता है वहाँ से, एवोल्यूशन न्यूट्रिशन की पैकिंग है, बॉक्स है, पूरा सील्ड है ऐसे करके, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। एवोल्यूशन न्यूट्रिशन का BCAA 5000, इसमें 5000 mg है प्योर BCAAs, बिल्ड लीन मसल, बूस्ट रिकवरी, एंड्यूरेंस एंड स्ट्रेंथ। BCAA का काम आपको पता होगा कि जो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं वर्कआउट करने के बीच में, तो ये आपको बीच में इंट्रा वर्कआउट यूज़ करना होता है, ताकि जो आपके मसल्स ब्रेक होते हैं उनको ये रिकवरी दे सके हाथों हाथ, ओके। तो बात करते हैं सर्विंग्स की। 30 सर्विंग्स का बॉक्स है हमारा, और इसको आपको एक स्कूप लेना है 8 से 10 OZ वाटर में, ओके। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, इसकी एक सर्विंग है 8 ग्राम की, और 30 सर्विंग का बॉक्स है। इसमें आपको ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन मिल जाते हैं अच्छी अच्छी मात्रा में, ठीक है?
और नीचे से देख लेते हैं, इस नीचे इसकी एक्सपायरी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए एक्सपायरी बहुत लंबी आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सामान बिल्कुल ओरिजिनल होता है, क्योंकि ये आपको इंडिया में देखने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसको रखते हैं हम साइड में। ये कौन सा फ्लेवर था हमारा भाई? ये फ्लेवर है हमारा कांग्या 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 अकाई बेरी, ये था। दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा है हमारा भाई पाइनएप्पल, सेम है बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा घुमा के, अल्ट्रा प्रीमियम बीसीडब्ल्यू। ओके 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 एंड देन ओके सेम उत्तरी। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि इसकी सर्विंग 7.4 ग्राम की है और इसकी 8 ग्राम की है, बाकी सब सेम है। इसमें क्या है यार, इसमें सोडियम है 80 mg का कुछ। ओके इसमें कुछ डिफरेंस ये आ गया, ठीक है, तो सोडियम है इसके अंदर, बाकी दोनों लगभग लगभग सेम है सारे। तो ये है हमारी अनबॉक्सिंग bodybuilding.com की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मुझे कितने दिन में मिला, कितनी कस्टम लगी, क्यों लगी, कितने का इस पर, मतलब हमें कितने के पड़े दो बॉक्स, ये मैं आपको सब क्लियर करूँगा। शिपिंग कितनी लगी, क्यों लगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, चलिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग में देख लिया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, अभी मैं आपको सिस्टम के ज़रिए शो करना चाहूँगा कि जो मैंने bodybuilding.com से ऑर्डर किया था वो मैंने किस तारीख में किया था, कैसे कैसे ये वो करके, मतलब क्या डिटेल्स वगैरह मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूँ। ये bodybuilding.com की साइट है, ये आप चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे खोल सकते हैं। अब जो नए नए बंदे हैं उनको थोड़ा होता कि आप इस पर आईडी जनरेट करें अपनी, ठीक है, आईडी लॉगिन होगी वहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ, आईडी लॉगिन होगी आपके यहाँ से, इस पर हम क्लिक करते हैं और अपने जाते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में, ऑर्डर हिस्ट्री खोलते हैं हम अपनी। जी देखिए ऑर्डर हिस्ट्री हमारी खुल गई, तो हमारा जो लास्ट ऑर्डर है सबसे ऊपर ही ये दिखा रहा है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे 8 ऑर्डर प्लेस्ड हैं। और ये देखिए सबसे ऊपर जो हमारा ऑर्डर है, ये ऑर्डर नंबर है हमारा, और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी डेट है एक, ये आपको अगर दिख रहा हो ध्यान से तो एक सेकंड में आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ था ये 23 जून में हुआ था, और ये मुझे 22 जुलाई में ये मुझे डिलीवर हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 23 जून, ये देखिए बड़ा बड़ा इस पर आ रहा है पूरा लिख के, 23 जून को ही हमने ऑर्डर प्लेस किया था और ये हमें 22 जून में डिलीवर हुआ है, तो लगभग इन्हें एक महीना ले लिया हमें डिलीवर होने में, ठीक है। तो ये ज़रूर देखिएगा, ये पूरा आप देखें वीडियो ध्यान से वाली, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है काफ़ी। ओके और ऑर्डर की हमारी कुछ स्थिति ये थी कि हमारा ऑर्डर वैल्यू था $17.99, ठीक है, और उस पर शिपिंग हमारा लगता है 10.95, तो टोटल हमारा बैठा था $28.94 का, ठीक है ना। शिपिंग वगैरह आप कैलकुलेट कर लीजिएगा गूगल पे अपना, कर लीजिएगा ट्रांसलेट। उसके बाद मैं दिखाता हूँ ट्रैकिंग, तो ये हमारा ट्रैकिंग नंबर है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा कहाँ तक की ट्रैकिंग शो करता है। इन्होंने बोला था कि 8 से 20 दिन तक में आ जाएगा, अगर ये इन्होंने लगाया 1 महीना, वो कस्टम क्लियरेंस में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कस्टम आपने देखा बॉक्स पर कस्टम भी लग चुका है तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका वेट था 2.7445 इतना LBS, और लगभग ये अपना था 1 किलो 200-300-400 ग्राम, जो भी जितना। इस पे हम दिखाएंगे कि हमें कहाँ तक की शो करता है। ये US से निकला, US, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये स्कैन इनटू सैक कंटेनर, ये करके यहाँ तक शो करता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहीं तक शो करता है हमेशा। ओके और अभी हम अगर हम इसको ट्रैक भी करेंगे, अगर हम इस पर ट्रैकिंग पर क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट दोनों शो कर रहा है यहाँ पे। ओके अगर हम इसको ट्रैक भी करेंगे तो ये DHL की ऑफिशियल साइट खुल जाती है यहाँ से। एक सेकेंड बोला फोकस भाई क्या कर रहा है, एक सेकंड दोस्तों। हाँ तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये हमने DHL के ऑफिशियल साइट खोल ली है, यहाँ पे देखिए ये USA से लेके मेरठ, तो मैं मेरठ में तो सबको पता है, तो मेरठ इंडिया तक इन्हें दिखाया। अब यहाँ दिखाते हैं आपको कि कहाँ कितना ट्रैकिंग ये अपने को प्रोवाइड कराता है। US 23 जुलाई, बस US, ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट एट ऑर्गन, बस इतना, इससे ज़्यादा अपने पास कुछ नहीं होता। यहाँ पे वेट होता है, ये कस्टमर आईडी होती है, ये कस्टमर आईडी जो है, ये ट्रैकिंग आईडी जो है, ये USA में वैलिड होती है, इंडिया में वैलिड नहीं होती, तो इसके हमें कोई फ़ायदा नहीं है इंडिया में आने के बाद। जब आप पोस्ट ऑफिस पे जाओगे, मेन हेड ब्रांच पे जाओगे DHL की, मतलब पोस्ट ऑफिस की, वहाँ पे आप जाके ये ट्रैकिंग नंबर दिखाएंगे ना, तो वो पता बंदा आपको क्या बोलेगा, बोलेगा भाई तू पागल है क्या मतलब ये ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे नहीं चलता, अगर आपके घर पे डायरेक्ट डिलीवर हो जाता तो वेरी गुड। वैसे पंगा हो यही होता है कि हमारा ये नंबर जो है वो USA में वैलिड होता है, इंडिया में नहीं, तो यहाँ पे आके हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, ये होती है बात। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी वैल्यू का ऑर्डर था, क्योंकि दोस्त लोग मैंने काफ़ी कहते हैं कि भाई आप पूरा नहीं शो करते रेट कितने का था ये वो करके, तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। और बाकी आपने अनबॉक्सिंग देख ली है,